हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशोक। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आऊँ यहां पे ये बेस बेसिकली यहां पे सिंगल 18 की बेस होने वाली है, लेकिन यहां पे एक प्रीमियम ब्रांड के साथ में आने वाला है, वो है यहां पे फेन इंटरनेशनल। और आप सभी को बहुत ज़्यादा मतलब आपने बोला था कि भाई हाँ हमें कुछ अच्छी बेस दिखाइए, कुछ प्रीमियम क्वालिटी दिखाइए, तो यहाँ पे फाइनली मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। स्पीकर्स भी वहाँ साइड में रखे हैं, अभी उनके बारे में डिटेल्स में जाने हैं कि आप स्पीकर्स कौन से मिल रहे हैं और ऑप्शंस आपके पास क्या क्या हैं। फिलहाल मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं हमारी बेस की डिटेल, यानी कैबिनेट का क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी स्पीकर्स तो खैर मैं आपको दिखाई दूंगा। इससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि हमने चार यहाँ पे लगा रखा है, चार वहाँ पे लगा रखा है, तो इन दोनों में दोनों अलग अलग मॉडल है, बता दूंगा। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ कैबिनेट की, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये CKS Acoustics की ब्रांडिंग हो रखी है। यहाँ पे ये मॉडल नंबर इसका मेंशन है CTB118। साथ ही साथ दोस्तों जो कि इसके अंदर ग्रिल यूज़ मिली है, वो 16 गेज की ग्रिल यूज़ मिली है। कैबिनेट का अगर मैं डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो ये टी बिन कैबिनेट जो है वो इसमें इस्तेमाल में लिया गया है। अभी मैं यहाँ पे आपको साइड में दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये हैंडल आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे यहाँ पे भी ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। और ये CNC वर्क रहता है पूरा, ये देख लीजिए ये पूरा CNC पे बनाई गई कैबिनेट है। इस बात का ध्यान रखना सेंटेक्स पेंट जो है वो इस पर इस्तेमाल में लिया गया है। ये देख लीजिए सेंटेक्स पेंट इस्तेमाल में लिया है। अगर मैं पीछे की डिटेलिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे अगेन आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, दो स्पीकर सॉकेट्स मिल जाते हैं, यानी प्रॉपर तरीके से एक आपको कंप्लीट बेस मिलता है। और अगर मैं स्पीकर्स की बात करूँ तो स्पीकर दोस्तों इसके अंदर फेन कंपनी के इस्तेमाल में लिए गए। अगेन फेन के बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, खैर अभी मैं आपको यहाँ पे स्पीकर दिखाता हूँ कि हाँ भाई स्पीकर कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे इन बेसों के अंदर जो कि स्पीकर्स डले हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे कंप्लीट बेस भी मिलता है और साथ ही साथ आपको स्पीकर्स भी लेना चाहें तो मिल सकता है। और जो कि ब्रांड है वो आप यहाँ पे देख लीजिए, फेन ब्रांड है। अगेन यहाँ पे आपने नाम सुना होगा, इससे पहले भी मैंने इनकी वीडियो जो है वो बना रखी है फेन इंटरनेशनल की। तो यहाँ पे अभी हमारे पास जो है वो तीन मॉडल्स रखे हैं। सबसे पहला जो कि मॉडल है वो आप देख लीजिए कि एम्पोरियम 18XL, इसको हम 18XL कहते हैं। ये है 18ND XL। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो कि दूसरा आ जाता है, ये आता है प्राइम 18XX। अब इन तीनों मॉडल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं डिफाइन करूँ, ऑलरेडी वीडियो खैर बना चुका हूँ, नीचे सभी का जो है वो एक एक वीडियो लिंक में दे दूंगा। तो अभी जो कि बेस को लाने का मेरा मतलब मेरा क्या हुआ कि आपने बोला कि ठीक है आपने स्पीकर्स तो दिखा दिए, आपने क्वालिटी बता दी स्पीकर्स की, लेकिन यहाँ पे इसके लिए कैबिनेट भी बताइए, इसके लिए हर एक चीज़ डिटेल में दीजिए। साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि हाँ एम्पलीफायर का भी मैं आपको रिकमेंडेशन जो है वो दे पाऊँ। तो सबसे पहले हम इनको ना अनबॉक्स कर लेते हैं, स्पीकर्स का मैं एक बार आपको क्वालिटी भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये पहला स्पीकर हो जाता है, जैसे कि आपको सारे स्पीकर मैं अभी फटाफट से खोल के दिखाऊंगा। पैकिंग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग सी पैकिंग इसके अंदर करी गई है। अगेन यहाँ पे आपको जो कि फेन का है ये एक सर्टिफिकेट मिलता है ओरिजिनलिटी के लिए, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। चलिए मैं ना सभी में ये इसमें भी है, सभी में है ये देखिए, और साथ के साथ इसमें लोगो भी आता है, वीडियो में मैं खैर बता चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले मॉडल की बात करूँ इसकी स्पेशियंस की, तो ये 18XL है, 1300W पावर हो जाता है, 5 इंची के इसके साथ में वॉइस कॉल साइज़ जो आता है। अभी यहाँ पे जैसे कि ये फ्राइड मॉडल है, यानी फ्राइड में आपको 5 इंची मिल जाता है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे न्यूडियम के अंदर 5 इंची चाहिए, तो वो हमारे यहाँ पे ये देख लीजिए ये आ जाता है न्यूडियम के अंदर, जो कि 18ND XL है, यानी न्यूडियम वाला। इसके अंदर भी आपको 5 इंची का ही वॉइस कॉल जो है वो साइज़ मिलता है, न्यूडियम हो जाता है, और 1200W के पावर के साथ में आता है। साथ ही साथ थोड़ा सा अगर आपका बजट कह लीजिए या फिर आपने किसी और पर्पज से यहाँ पे बेस को लेना है, तो यहाँ पे ये जो कि है वो मॉडल आप देख सकते हैं यहाँ पे 18XX, ये 4 इंच वॉइस कॉल के साथ में आ जाता है, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ओवरऑल यहाँ पे फेन के बारे में मुझे कुछ बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक इंटरनेशनल ब्रांड है, एक अच्छा नाम लेकर आता है, एक अच्छी क्वालिटी के साथ में। तो उससे यहाँ पे बात करते हैं अभी फिटिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं ये दो मॉडल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सबसे पहला जो है वो हमारा यहाँ पे प्राइम है, यानी ये प्राइम आपको देखने को मिलता है प्राइम एक्सेस, दूसरा वाला जो कि है 18ND XL है। तो ये दोनों में हम क्या करेंगे कि चार चार बेस को हम तैयार कर रहे हैं। अभी जो कि कैबिनेट यहाँ पे आप देख लीजिए, क्या दोस्तों यहाँ पे ये कैबिनेट हम इस्तेमाल में ले रहे हैं। अगेन यहाँ पे जो कि कैबिनेट की क्वालिटी है वो आप देख लीजिए, ये भी यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। और सबसे अच्छी बात जो कि कैबिनेट है इसके अंदर आपको जो कि साइज़ है ये पूरा बढ़िया साइज़ मिलने वाली, नहीं
अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपको इस कैबिनेट के साथ में फिट चाहिए तो आप ये भी ले सकते हैं। खैर वो जब टेस्टिंग पे बजेगा ये इसके साथ में नहीं इस स्पीकर के साथ में, तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ भाई क्वालिटी कैसा आ रहा है। तो चलिए अभी हम इसको पूरा सेटअप करते हैं और मैं आपको इसके कनेक्शंस भी दिखाता हूँ कि हाँ भाई इसके कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं, आप इसको चला कैसे रहे, वो भी डिटेल आप देख लीजिए। दोस्तों अगर मैं टेस्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पर ये दो मॉडल्स हमने यहाँ पर सेलेक्ट करे हुए हैं, जो कि पहला मॉडल है वो न्यूडियम वाला मॉडल है जो कि मैंने आपको दिखाया है ND XL। इसके अलावा यहाँ पे प्राइम XX है, ये फ्राइड वाला मॉडल है। और ओवरऑल यहाँ पे चार जो है वो मॉनिटर्स अटैच करे हुए हैं, साथ ही साथ वहाँ पे वो एम्पलीफायर देख लीजिए, वो एम्पलीफायर्स वहाँ पे लगे हुए हैं, CLA 9000 CKS के ही एम्पलीफायर जो लगे हैं। ऊपर यहाँ पे MPA 26 जो है वो हमने मॉनिटर्स के लिए दे रखा है। खैर अभी रहता है इसका टेस्टिंग, तो आप यहाँ पे अभी टेस्टिंग देख लीजिए।
कैसे लेकर डस रहे हो, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी मैं यहाँ पे आपको एक क्वालिटी का मालूम चला होगा कि हाँ भाई यहाँ पे फेन किस क्वालिटी में आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि कैबिनेट मैंने दिखाया कि हाँ ये आप इसके अंदर ये कैबिनेट के ऑप्शंस ले सकते हैं। इसके अलावा कंपनी के पास और भी ऑप्शंस है कैबिनेट में, तो आप ले सकते हैं, डबल में भी है। बाकी यहाँ पे हमारी तरफ से सिंगल में ये सजेशंस है और टेस्टिंग बोल चुकी है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बात रहती है अवेलेबिलिटी परचेजिंग के लिए, यहाँ पे एक नंबर आपको शोर होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, तो आप जाके जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ सर अच्छी वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।